नंबर 9 पर नाक से गाजा कर दुनिया की नाक में दम कर देने वाले दमदार ये खतरनाक सिंगर एक्टर कंपोजर राइटर प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर और मौका पड़ने पर अपने ही गार्डन के गार्डनर हिमा सुरेशमिया। इतना टैलेंटेड इंसान मगर एक्टिंग के कीड़े के काटते ही हो गया बड़ा परेशान। टोपी पहने बाल कछाए वजन घटाया मगर नतीजा अंडा बटे पराठा। हिमेश पाजी की एक्टिंग की दुकान का हुआ है वो हाल कि आजकल सब निकाल रहे हैं उनकी एक्टिंग की बाल की खोल। देखो हिमेश पाजी, क्या आपके पास एकता कपूर जैसे सिस्टर हैं? नहीं। क्या आपके पास यश अंकल जैसे डैड है? नो। क्या आपके पास एसआरके जैसा दोस्त कम मेंटर है? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों फालतू में ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये सोचना कि आप तुषार उदय और अर्जुन रामपाल जैसी एक्टिंग करके भी बड़े फन्ने खान एक्टर बन जाओगे? हैं मियां, एक्टिंग का बड़ा शौक है तो घर पर आराम से होम वीडियो बनाइए, खुद देखिए, मेहमानों को दिखाइए। इससे एक तो एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगेगा और लगे हाथों आपकी बैड एक्टिंग की खबर भी सिर्फ उन्हीं को लगेगी जो आपके ये होम वीडियोस देखेंगे, क्योंकि आपकी दमादम देखकर बेदम होकर बेहोश हुए लोगों को अब तक दम नहीं हुआ है कि वो दोबारा थिएटर में एंटर करें। तो भैया हिमेश, मांग आपसे सिर्फ इतनी ही है कि जो एक्टिंग करने का मन हो फिल्मों में ना करके म्यूजिक टैलेंट शोज में करिए। सो जबरदस्त के डिमांड स्पेशल में नंबर 9 पर जनता की है यही डिमांड कि हिमेश बंद करें अपनी एक्टिंग की दुकान और लगाएं म्यूजिक पर ध्यान।